नमस्कार, द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इस समय फुल फॉर्म में हैं। पूरी तरह से आक्रामकता के साथ सरकार से भिड़ पड़े हैं, विपक्षी दलों से एकजुटता दिखा रहे हैं, उनको एकजुट कर रहे हैं, उनके साथ लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, नाश्ते पर बुला रहे हैं उनको, ट्रैक्टर चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, जंतर मंतर पर किसानों की संसद में जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रिय हैं। आक्रामक ढंग से सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करने के लिए एक तरह से देखा जाए तो वो विपक्ष के सबसे सक्रिय चेहरे, सबसे सक्रिय नेता के रूप में उभर रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी अब विपक्ष का चेहरा बन गए हैं? क्या उन्हें विपक्ष का नेता माना जा सकता है या अभी और हमें इंतजार करना चाहिए? ये वो सवाल हैं जिन पर आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करना चाहते हैं। और इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं श्रवण गर्ग जी, विनोद शर्मा जी और विनोद अग्निहोत्री जी। आप तीनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में अशोक वानखेड़े जी भी हमसे जुड़ जाएंगे, लेकिन चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, पिछले 1-1.5 महीने में राहुल गांधी जिस ढंग से सक्रिय नजर आ रहे हैं, हालांकि सोशल मीडिया पर वो बहुत पहले से सक्रिय थे, वो सरकार पर हमला कर रहा था कोई एक नेता खुलकर तो वो राहुल गांधी थे, लेकिन अब वो विपक्ष में भी ऐसा लगता है उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, उनका आत्मविश्वास ज्यादा दिख रहा है, वो सड़कों पर उतर रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। ये क्या है? क्या विपक्ष में एक जो शून्य था नेतृत्व के स्तर पर, वो राहुल गांधी भरते हुए दिख रहे हैं? ये कौन से विनोद जी से सवाल है मुकेश जी? पहले बिल्कुल विनोद शर्मा जी। देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, वन स्वेलो डजंट मेक अ समर। ये अभी आगाज है, ये आगाज है, मैं समझता हूँ ठीक ठाक आगाज था। ये जो निमंत्रण गए थे नाश्ते के लिए, वो जहां तक मेरी जानकारी है मल्लिकार्जुन खारगे जी और उनके जो लोकसभा में काउंटर पार्ट हैं अधीर रंजन, उनकी तरफ से गए थे, लेकिन वहाँ पर जो मुख्य भूमिका वो राहुल गांधी ने निभाई और उन्होंने लोगों से बातचीत की और अपने विचार रखे, उनके विचार सुने और उसके बाद एक साइकिल रैली का एक एक्सरसाइज हुआ और साइकिलें भी कांग्रेस ने इंतजाम किया था साइकिलों का। लेकिन वहाँ पर दो मुख्य पार्टी नहीं थी, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, वो जाहिर है कि क्यों नहीं थी। देखिए, बहुत से मुद्दे हैं हमारे देश में जिनको प्रखर करना आज के लिए, आज के दिन विपक्ष को जरूरी है, उसका उसकी ड्यूटी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये प्रोटेस्ट किसी एक ऐसे फ्रंट में तब्दील होगी जिसमें सब लोग भागीदारी बनाएंगे और वो भागीदारी बराबर की भागीदारी होगी उनके लिहाज से, और क्या जनता के मन में वो फ्रंट जब भी वो पूरा स्वरूप लेता है तो क्या आश्वासित करेगा जनता को? क्योंकि जनता ने हमारे देश में बहुत से ऐसे फ्रंट देखे हैं, नेशनल फ्रंट देखा है, यूनाइटेड फ्रंट देखा है, आप जनता पार्टी भी एक तरह से फ्रंट ही था, बाद में वो टूट गई पार्टी क्योंकि उसकी नींव मजबूत नहीं थी, लेकिन इलेक्शन जीतने के बावजूद भी उसकी नींव मजबूत नहीं थी। तो हम ये बात मान के चले कि अगर कोई फ्रंट इलेक्शन जीत भी लेता है, बावजूद उसके ये कोई एश्योरेंस नहीं है कि उसकी नींव मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये जो विरोधाभास है हमारे राजनीतिक दलों में और उनके छोटे छोटे सरमाए हैं इस देश में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज अपने आप का परम अधिकार मानती है, पहला अधिकार मानती है कांग्रेस से, और सही भी मानती है, उसी तरह से और स्टेट्स की मिसाल जीज दी जा सकती है। तो आज के दिन राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की है, बात अब सवाल यह है कि झंडा कब बुलंद होगा, और झंडा जब भी बुलंद होता है जब आप इलेक्शन में जीतते हैं। कांग्रेस का झंडा बुलंद करने की बात है उनके सामने, आवाज तो सभी बुलंद करते हैं, और चूंकि उनमें एक अट्रैक्शन है और एक बड़ी पार्टी के वो डी फैक्टो नेता हैं, डी जोरे तो नहीं है आज के दिन,
क्योंकि वो पहले थे, माजी में, चुके थे। माजी में प्रधान थे उस पार्टी के, अब नहीं है। लेकिन लगता है कि ये सब जो चहलकदमी वो कर रहे हैं उसके चलते हो सकता है कि दोबारा वो पद वो ले ले। ये एक इशारा उस तरफ है कि जो प्रोएक्टिवली राहुल गांधी अब अपनी भूमिका निभा रहे हैं वो लगता है अपने लिए एक जमीन या एक एक्सक्यूज या एक बहाना या एक इंस्पिरेशन तलाश रहे हैं कि वो दोबारा पार्टी के अध्यक्ष हो जाएं। ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरे पास सूचना नहीं है कोई, तो इसलिए देखना ही है कि ये जो शुरुआत हुई है ये आगे क्या स्वरूप लेती है, क्या रंग लाती है। जी श्रवण जी, इस पूरे मुद्दे के कई पहलू हैं, उनमें विपक्षी एकता एक अलग चीज है, लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी जिस तरह से सक्रिय हुए हैं, और हम बार बार देख रहे थे कि कोई लीड करने वाला अपोजिशन को नहीं था, कोई एक चेहरा नहीं था, कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो तमाम पार्टियों से बातचीत करके कोई साझी रणनीति बनाए, कोई साझा मोर्चा बनाए। राजीव गांधी उस पहल को हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं, तो इसे किस तरह से देखा जाए? देखिए, आपने दो चीजें कही, एक तो विपक्ष का चेहरा और दूसरा आपने कहा विपक्ष का नेता। ये दोनों चीजें मैं अलग मानता हूं और अलग करके देख रहा हूं। इस समय विपक्ष के चेहरे के रूप में सिर्फ राहुल गांधी दिख रहे हैं देश में। आपने जिक्र किया क्या क्या कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उसका असर पड़ रहा है। विपक्ष का नेता जो है वो चुनाव के बाद तय होगा। हम अभी विपक्ष के चेहरे और नेता को मिला के नहीं देख रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के अलावा कोई और चेहरा उपलब्ध है जो विपक्ष का चेहरा बन सकता है इस समय किसी भी पार्टी में? मान लीजिए कि राहुल गांधी कहें कि मैं बैठने को तैयार हूं पीछे और कोई आकर खड़ा हो जाए, तो राहुल गांधी के अलावा किसी भी पार्टी में कोई चेहरा नहीं है, उपलब्ध ही नहीं है। मतलब हम दो चीजें हैं कि चेहरा है और वो राहुल गांधी के साथ नहीं खड़ा होना चाहता है, हम कह रहे हैं कि चेहरा ही नहीं है देश में। अभी दो चेहरों की बात होती रही श्रवण जी, शरद पवार और ममता बनर्जी की, खासतौर पर ममता बनर्जी जिस तरह से सक्रिय हुई। देखिए, मैं शरद पवार का रोल जो है अब कोई एक इस तरह के जिसको कहते हैं मैच मेकर के रूप में जानना चाहता हूं। अब वो उनकी उम्र और उनकी चीजों को देखते हुए कोई मैं बहुत उनसे आंदोलन की उम्मीद नहीं कर सकता कि वो साइकिल चलाकर या ट्रैक्टर चलाकर पार्लियामेंट पे जाएंगे या कोई बड़ा भाषण देंगे, ये एक बड़ी उम्मीद है जो आप कर रहे हैं शरद पवार से। ममता बनर्जी की स्वीकार्यता अभी नहीं है पूरे देश में और उनकी रीच भी नहीं है। ममता बनर्जी केवल नवंबर में चुनाव परिणामों के बाद, बंगाल के चुनाव परिणामों के बाद लाइट में आई है, प्रकाश में आई है, और उनका भी जो वजूद है, पॉलिटिकल वजूद जो तृणमूल कांग्रेस का है, वो बंगाल तक सीमित है और वो लोगों को एकजुट कर सकती हैं। तृणमूल कांग्रेस की स्थिति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी नहीं है देश में। जो स्वीकार्यता राहुल गांधी की है दक्षिण तक, या तमिलनाडु में है या केरल में है या कर्नाटक में है, या उनकी जो पहचान है, मतलब मैं मध्य प्रदेश में बैठा हूं तो मैं अपने आसपास अगर देखता हूं तो राहुल गांधी और ममता बनर्जी में से अगर किसी को लोग जानते हैं तो वो राहुल गांधी है। तो ये अभी जो लड़ाई है वो ये है कि लड़ कौन रहा है और क्या ममता बनर्जी बंगाल से निकल कर दिल्ली में बैठने की स्थिति में है क्या।
हम देख रहे हैं कि उपचुनाव नहीं है वहां बंगाल में, ममता बनर्जी का भविष्य लटका हुआ है, अभी कुछ पता नहीं है कि वो नतीजों के बाद 6 महीने की सीमा के बाद वहां मुख्यमंत्री रहती हैं कि नहीं रहती हैं, उपचुनाव की घोषणा चुनाव आयोग करता है नहीं करता है। और बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी को रोक रखा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह का गवर्नर साहब के साथ कॉन्फ्रंटेशन चल रहा है, बीजेपी के साथ चल रहा है, और जो अभी वहाँ मानवाधिकार आयोग वहाँ होके आया है उसकी जो रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में जो चीज़ें चल रही है, कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर अभी ममता बनर्जी बंगाल से निकल नहीं सकती हैं। और ममता बनर्जी को बंगाल में रोके रखने की एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है कि उनको नेशनल लेवल पर बहुत ज्यादा अपना पार्टिसिपेशन नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो कुल मिलाकर आज जो है वो एकमात्र नेता जो दिख रहे हैं वो राहुल गांधी दिख रहे हैं जी। 3 साल पहले उनको खारिज किया जा चुका था, 2019 के बाद जुलाई में उन्होंने खुद ने इस्तीफा दिया था। अगर आप उनके इस्तीफे को पढ़ें जो उन्होंने दिया था कांग्रेस अध्यक्ष के पद से, अकाउंटेबिलिटी के मुद्दे पर दिया था कि अकाउंटेबिलिटी बहुत क्रिटिकल हो गई है किसी भी पार्टी के लिए। तो राहुल गांधी की प्रासंगिकता जो है पिछले 2 सालों में जिस तरह से सिद्ध हुई है, और कांग्रेस पार्टी में भी उनके खिलाफ आवाज उठना बिल्कुल आप देखिए कि एकदम बंद हो गई है। उन्होंने जब से ये कहा है ना कि जिनको जाना हो आरएसएस के पास चले जाएं, अभी हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया टीम के साथ इंटरेक्शन में जो कहा कि डिसेंट के लिए या डिफेक्शन के लिए या उसके लिए कोई जगह नहीं है, यहाँ आप जाइए, आपको जाना है आरएसएस के पास दौड़ जाइए। हम राहुल गांधी का एक नया चेहरा पार्टी में सड़क पर और विपक्षी दलों के बीच में देख रहे हैं, तो वो जो काफी एकोमोडेट करके चीजों को चल रहे हैं। ये आखिरी मौका है मतलब कांग्रेस के लिए भी और विपक्ष के लिए भी, तो ये बहुत इस समय कोई बैठ के मंत्रणा नहीं की जा सकती कि आप नेतृत्व कीजिए मैं पीछे बैठा हूं, किसी को तो आके तुरंत लीड लेना पड़ेगी और राहुल गांधी ले रहे हैं जी। तो विनोद जी आपको भी लग रहा है कि राहुल गांधी ने उस शून्य को पहचाना, सब लोग पहचान रहे थे, देख रहे थे कि लीडरशिप की एक बड़ी क्राइसिस है न केवल कांग्रेस में बल्कि अपोजिशन पार्टीज में भी, और उस क्राइसिस में राहुल गांधी एक चेहरा उभर रहे हैं एक नेतृत्व के तौर पर। हम नहीं कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता होंगे 2024 में प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, वो दूर की बात है, लेकिन आज वो विपक्ष का चेहरा बन गए हैं, बनते जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह दिखता है आपको? ये सवाल मुझसे ही है ना? जी हाँ विनोद अग्निहोत्री जी, हाँ ये करना पड़ेगा क्योंकि हमारे विनोद जी के साथ ये अक्सर होता है, जब हम दोनों किसी पैनल पे साथ होते हैं तो ये कंफ्यूजन रहता है। तो खैर देखिए, जो विनोद शर्मा जी ने कहा या जो श्रवण जी ने कहा, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूँ। अब मैं थोड़ा सा उस पर एक दो चीज़ और जोड़ूंगा क्योंकि उनको उन बातों को दोहराने का कोई फायदा नहीं है, बातें चाहे विनोद शर्मा जी ने कही हो श्रवण जी ने कही हो, मैं अपने आप को उनसे संबद्ध करता हूँ। देखिए राहुल गांधी, ये एक बात तो तय है कि पिछले 2019 के बाद से जब नरेंद्र मोदी जी दोबारा बड़ी तूफानी जीत के साथ आए थे और पूरा विपक्ष निस्तेज हो गया था, उसके बाद उस निस्तेजता में भी राहुल गांधी ने पहले इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से अकाउंटेबिलिटी के सवाल पर, और काफ़ी उनका सोशल मीडिया में, राजनीतिक क्षेत्रों में, मीडिया में, हर जगह उनकी बड़ी लानत दरामत हुई, बड़ा मजाक भी उड़ाया गया, हर तरह से उनकी आलोचना हुई, कुछ आलोचना रचनात्मक तरीके से हुई, कुछ निंदा और भर्त्सना जैसी स्थिति भी हुई। तो वो सब झेलते हुए उन्होंने, आप देखिए पिछले लगभग 2-2.5 साल से अगर सरकार के खिलाफ लगातार कोई अपना विरोध दर्ज करा रहा है तो राहुल गांधी दर्ज करा रहे हैं। आप शुरू करिए GST, नोटबंदी, अब कोरोना, चीन का अतिक्रमण, इस जितने सारे मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, इस पर अगर शिद्दत के साथ किसी ने सीधे सरकार पर लगातार हमले किए, चाहे वो ट्विटर के जरिए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, या कुछ तमाम एक्सपर्ट से इंटरेक्शन के जरिए, जे क्योंकि मीडिया में स्पेस भी उनको मिलना काफ़ी कम हो गया था, बीच में लगभग बंद ही सा हो गया था, तो उन्होंने लेकिन अपनी वो उपस्थिति बनाए रखी।
मुझे लगता है अब उनकी राजनीति का विस्तार हो रहा है। वो जो उनका विरोध था वो एकल विरोध था। एक राजीव गांधी, राहुल गांधी कांग्रेस के नेता के तौर पर, पूर्व अध्यक्ष के तौर पर अपनी बात करते थे और उसको मीडिया अपने तरीके से दर्ज करता था और सोशल मीडिया। लेकिन हाँ, आश्चर्यजनक रूप से भारतीय जनता पार्टी जरूर उसको पब्लिसिटी दिलाती थी रिएक्ट करके। केंद्र सरकार के दो दो तीन तीन मंत्री डिफेंस में उतर आते थे सरकार के, राहुल गांधी की चीफ। तो एक तरह से ये तो स्थापित हो गया था। शरद पवार भी कभी बोलते थे, कभी आगे पीछे, कभी समर्थन दे दिया, कभी तारीफ कर दी। ममता जी बंगाल तक सीमित थी, नीतीश जी तो पूरी तरह से बीजेपी के साथ हो ही गए, अरविंद केजरीवाल का भी यही चलता रहा, कभी सरकार के साथ कभी सर। राहुल गांधी के बारे में एक बात तो सब मानेंगे कि विरोध जो है सरकार का मुद्दों पर वो लगातार करते रहे। अब उन्होंने इस विरोध को एक सामूहिक विपक्ष का विरोध बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। अभी तक क्या था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर सर्वमान्यता विपक्ष में थी तो सोनिया गांधी की थी। सोनिया गांधी ही हमेशा, आप देखिए जब भी विपक्षी दलों की कोई बैठक होती थी तो उसको सोनिया गांधी बुलाती थी, वो चेयर करती थी और उसमें राहुल गांधी सोनिया जी के साथ में माँ बेटे की तरह बैठते दिखाई पड़ते थे, साथ में चलते हुए। तो कई बार लगता था जैसे वो माता जी की उंगली पकड़ के चल रहे हों। और बहुत सारे उनके शुभचिंतकों को भी ये बात अखरती थी कि भैया उनको अब आगे आना चाहिए, माता जी का साया बहुत हो गया। अब जिस तरह से राहुल गांधी ने अपना एक स्वीकार्यता बनाने की कोशिश की है, ये नाश्ता की जो मीटिंग थी उसमें विपक्ष के लगभग 17 दलों के नेता आए, 2 दलों को छोड़ करके, और आज भी विपक्षी दलों की एक मीटिंग हुई, उसका भी वीडियो आया हम लोगों के पास। उसके बाद फिर वो सब बस में बैठ करके पार्लियामेंट गए और जंतर मंतर पर गए विपक्षी दलों के नेता, उसको भी राहुल गांधी ने लीड किया। राष्ट्रपति के पास भी एक बार विपक्षी दलों का एक डेलीगेशन लेके वो गए थे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब वो सोनिया गांधी को रिप्लेस करके कांग्रेस की तरफ से विपक्षी दलों के बीच में अपनी स्वीकार्यता बना रहे हैं। तो सही, बिल्कुल सही बात है कि आज भी कांग्रेस पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक देश में सबसे भाजपा के बाद अगर किसी की उपस्थिति तो उसकी है, भाजपा के समानांतर उसकी उपस्थिति है। भले ही सीटें कम हो, वोट परसेंटेज आज कम हो, लेकिन उपस्थिति उसकी कई जगह भाजपा से भी ज़्यादा है। जहाँ भाजपा की उपस्थिति नहीं अभी भी वहाँ उसकी उपस्थिति है। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी उस पार्टी के नेता हैं, तो विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा वही होंगे। अब नेता कब बनेंगे, जैसा कि अभी श्रवण जी ने भी कहा, विनोद जी ने भी कहा, झंडा बुलंद करने की जरूरत है। नेता बनने की प्रक्रिया उनकी शुरू होगी आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस से, उसके बाद फिर 2023 में जो उस पर, फिर दिसंबर नवंबर में गुजरात और हिमाचल के चुनाव हैं, फिर जो 11 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले हैं, उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की क्या उपलब्धता, क्या उपलब्धियां रहती हैं, कितना वो जीतती है, उसके आधार पर उनका नेतृत्व विकसित होगा। अगर कांग्रेस उनमें बहुत अच्छा करती है तो निश्चित रूप से विपक्ष का चेहरा और भी बनेंगे, नेता भी बनेंगे, और अगर कांग्रेस के परिणाम अनुकूल नहीं रहते हैं तो फिर उनको किसी न किसी दूसरे नेता का सहारा लेना पड़ सकता है। ये स्थिति अभी है, लेकिन उन्होंने अपनी एक स्वीकार्यता विपक्षी दलों के बीच में बनानी शुरू कर दी है, सड़क पर भी और संसद में भी। जी विनोद जी, अभी विनोद अग्निहोत्री जी ने कहा कि एक छाया की तरह थे राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ, वो उनके आगे नहीं निकल पा रहे थे, लेकिन इसके साथ एक समस्या और भी थी, जो विपक्षी दल थे वो भी कांग्रेस में जब बात करनी होती थी तो सोनिया गांधी की तरफ देखते थे, उनमें भी राहुल गांधी को लेकर वो स्वीकार्यता नहीं थी। लेकिन अब हम स्थितियों को बदलता हुआ देख रहे हैं, सोनिया गांधी धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली जा रही हैं और राहुल गांधी सामने आ रहे हैं, वो विपक्ष से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो विपक्ष के साथ रणनीति बना रहे हैं, वो मोर्चा खोल रहे हैं। तो ये राहुल गांधी क्या पूरी तरह से अब सोनिया गांधी की छाया से निकल चुके हैं, और विपक्ष ने भी क्या ये मान लिया है कि अब राहुल गांधी ही कांग्रेस के नेता हैं, अब हमें सोनिया गांधी पर डिपेंड नहीं करना है, या उनके बजाय राहुल गांधी से ही संवाद करना? नहीं, मेरी तो प्रार्थना है कि जो मेरे दोस्त विनोद अग्निहोत्री ने कहा और या श्रवण जी ने कहा वो सही हो, लेकिन मेरे अपने कुछ प्रश्न हैं इस संदर्भ में। मैंने एक बार राहुल को स्वयं उनके फेस पे कहा था, मैंने कहा ये ट्विटर पे जब उन्होंने सूट और बूट वाला कमेंट किया था पार्लियामेंट में और सुपर ट्विटर पे बहुत हलचल मची थी उसके बारे में और लोग बड़े खुश हो गए थे कि ये जो स्लोगन है ये चिपकेगा, और वो स्लोगन चला भी, काफी दिन चला और फिर अपने आप अंतोतुकत्वा अपनी मृत्यु मर गया। ये जो वर्चुअल वर्ल्ड है उसको हमको रियल वर्ल्ड से थोड़ा जुदा करके देखना चाहिए।
आपकी पॉपुलैरिटी को रियल वर्ल्ड में इजाफा कर सकता है। आपकी रियल वर्ल्ड में जो प्रॉपर्टी जो पॉपुलैरिटी है उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। ये मेरा व्यक्तिगत राय है और मैंने राहुल गांधी को उसी संदर्भ में उनके मुंह पे कहा था कि भाई लीडर वो जब एक्सेप्टेबल होता है जब वो पार्टी को इलेक्शन जितवाता है, और उस हद तक ये बात सही है जो विनोद ने कही कि आगे वाले इलेक्शन में पता चलेगा कि भाई वो कितने कारगर सिद्ध होते हैं कांग्रेस पार्टी को इलेक्शन जितवाने में। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में कहीं अखिलेश यादव ने वही कारनामा कर दिया जो उसने अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाकर योगी जी के आने से पहले किया था, तो फिर खेल बदल सकता है, क्योंकि वहां से तो 80 एमपी आते हैं। तो आज के दिन ये जो हम देख रहे हैं वो जुदा है वर्चुअल वर्ल्ड में, जो हम देखते हैं टीवी पे देखते हैं, वहां जाते हुए देखते हैं, यहाँ जो ग्राउंड जीरो पे जो स्थिति है उसमें अभी भी राहुल गांधी को बहुत काम करना है पार्टी के भीतर और पार्टी के समर्थकों में। कांग्रेस पार्टी अभी भी एक ऐसी मशीन से रूबरू है जिसमें इमोशन सेंटिमेंट नाम की चीज नहीं है, जिसमें रूल्स ऑफ द गेम नाम की कोई चीज नहीं है, जिसमें इतिहास के लिए कोई इज्जत नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जिस तरह से अटल जी के मन में इतिहास के लिए इज्जत थी, ट्रेडिशंस के लिए इज्जत थी, प्रेसिडेंट्स के लिए इज्जत थी, आज के दिन हम पार्लियामेंट में खबरें देख रहे हैं कि सरकार कह रही है कि हम पेगासस पे जवाब नहीं देंगे क्योंकि वो इशू सब जुडिस है, और कोर्ट में तो आपने अभी तक अपना बयान दर्ज नहीं किया जो कोर्ट ने कहा है कि अपना बयान दीजिए, अपना रिस्पॉन्स दीजिए इस पे। ये काहे का सब जुडिस मैटर है? कोर्ट ने कभी इस पे कोई हेयरिंग शुरू नहीं की, नोटिस तक इशू नहीं किया। और अगर सब जुडिस भी है तो पार्लियामेंट का अधिकार है कि बिना कोई आक्षेप लगाए, बिना कोर्ट के रास्ते में आए, अपना काम करे। लॉ मेकिंग बॉडीज, अगर आगे वाले वक्त में ऐसे किसी प्रकरण को रोकना होगा तो उसके लिए कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगी ना, कोर्ट तो नहीं बनाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आपका प्रतिद्वंदी है वो एज बाय द रूल्स नहीं खेल रहा है। क्या आप तैयार हैं फ्री स्टाइल के लिए उससे? अगर फ्री स्टाइल कुश्ती लड़नी है तो क्या उसके लिए आज के दिन कांग्रेस पार्टी या और विपक्ष क्या वो तैयार है? मुझे नहीं लगता वो तैयार है, और वो तैयार होगा आने वाले वक्तों में, ये मैं अपेक्षा करता हूं, क्योंकि बहुत सी स्टेट्स में डायरेक्ट फाइट होने वाली है कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में, और हर स्टेट में जितनी भी स्टेट्स में इलेक्शन है वहां पर एक डायरेक्ट फाइट होगी बीजेपी और उन पार्टी के बीच में जो कि सेक्युलर डिवाइड की तरफ आती हुई पार्टियां हैं। अगर उसमें अखिलेश भी जीत जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो मैं समझता हूं एक विपक्ष के लिए एक बड़ा ब्राउनी पॉइंट होगा, एक बड़ा प्रोत्साहन वाला एक हादसा होगा। देखना यह है कि आने वाले 2-3-4 महीनों में जी ये हम बात की बात कर रहे हैं, हम अभी जो स्थितियां बनी हैं उसमें राहुल गांधी क्या उभरते हुए दिख रहे हैं एक नेता के तौर पर, उनको विपक्ष क्या एक्सेप्ट कर रहा है, क्या वो एक जो रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन थे, एक जो गेस्ट आर्टिस्ट की तरह राजनीति में काम कर रहे थे उससे उभर चुके हैं, और क्या उनकी छवि बदल रही है, एक इमेज मेकओवर हो गई है, क्या हम ये मान सकते हैं? अभी प्रोसेस शुरू हुआ है, मैं नहीं समझता उनकी कोई इमेज मेकओवर हुई है। देखिए राहुल गांधी एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, ही हैज गॉट हिज हार्ट इन द राइट प्लेस, वो शुद्ध व्यक्ति है, और आजकल की राजनीति में जो वैनमस्ता है उससे दूर दराज कहीं है वो। ये वही बच्चा है जिसने माफ किया अपने पिता के कातिलों को, इसकी बहन ने भी और इन्होंने भी किया, ये बड़ी बात होती है। किसी और देश में तो उसकी छवि पता नहीं कहां आसमान को छूती जाकर, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल डायलॉग है उसमें जो अच्छापन होता है वो उसका वीकनेस माना जाता है पॉलिटिक्स में।
अगर आप अच्छे हैं तो आप वीक माने जाते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि उसको आज के दिन जो उसकी बेहतर ह्यूमन क्वालिटीज हैं उसमें एक उसका संजोग, उन ह्यूमन क्वालिटीज का संजोग रियल पॉलिटिक्स से होना पड़ेगा। जो रियल पॉलिटिक है, जो बिल्कुल बेदर्द होता है, रूथलेस होता है, उसको अपने आप को वो लड़ाई करने के लिए तैयार करना पड़ेगा और उसमें अभी काफी दूरी है। और दूसरी बात, राहुल गांधी को मुद्दे उठाकर बीच में छोड़ नहीं देने चाहिए, जैसे कि अमेरिका करता है। अफगानिस्तान में घुस गया, अब वहां पर बवाल मचा हुआ, वहां से निकल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। और तीसरा, अपनी पार्टी के हर वर्ग को वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग देना उनके लिए जरूरी है, भले ही वो G23 हो और भले ही वो नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो हो, उनमें एक समन्वय बनाने की जरूरत है। और वो एबिलिटी ही उसको पार्टी के भीतर एज अ लीडर, एज अ कॉन्सेंसस लीडर स्थापित करेगी, और वही एबिलिटी ही उसको शायद बाद में रियल पॉलिटिक में, दिन एंड मसल ऑफ पॉलिटिक्स में उसको मदद करेगी। अभी उसमें थोड़ी कमियां हैं जो उनको पूरी करनी है। जी श्रवण जी, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का ये जो कॉन्फिडेंस हमें दिख रहा है उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कांग्रेस में गांधी परिवार में एक तरह की क्लैरिटी आ गई है? ये अभी हमने पंजाब का देखा, उत्तराखंड के मामले में देखा, राजस्थान के मामले में भी कहा जा रहा है कि उन्होंने फैसले कर लिए हैं और अब वहां ठीक ठाक करने की घड़ी आ गई है। तो क्या गांधी परिवार में जो क्लैरिटी आई है वो राहुल गांधी में कॉन्फिडेंस भर रही है कि अब कोई वहां पर एम्बिग्युटी नहीं है लीडरशिप को लेकर? मुकेश, तुमने एक सवाल पूछा, इस पे एक मिनट में, एक बार शरण जी माफी चाहता हूँ जी। ये जो आपने एक अभी बात कही है, देखिए मेरी नजर में राहुल गांधी ये बात पे मन बना चुके हैं, जो कोई पुराने नेता हैं वो, उनमें कुछ वीकनेसेस है, उनके कुछ वीक पॉइंट्स हैं जिसको कि भाजपा एक्सप्लॉइट करती है, और इसलिए उनको आहिस्ता आहिस्ता उन पुराने नेताओं की जगह एक नई फसल लानी है, नई उम्र की नई फसल लानी है, एक नई पीढ़ी लानी है जो कि CBI, IB, NIA के दबाव में ना आए, उसके पास कोई, उसकी क्लीन स्लेट हो। तो क्लीन स्लेट वाले वो नेता लाने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्लीन स्लेट वाले हो सकते हैं, लेकिन क्या वो सक्षम है ये भी उनको देखना पड़ेगा। जी श्रवण जी, मेरा प्रश्न था कि क्या गांधी परिवार में अनिश्चितता खत्म हो गई, असमंजसता खत्म हो गई है, अब सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के लिए रास्ता साफ कर दिया है और ये यही राहुल गांधी इसी का इंतजार कर रहे थे, इसी का कॉन्फिडेंस है जिससे वो अब फ्रंट फुट पर खेलने लगे? देखिए मुकेश जी, दो तीन चीजें इसमें अपन समझ लें कि सोनिया गांधी के लीडरशिप के जमाने में जो अपोजिशन के चेहरे थे वो इस समय अनुपस्थित हैं। सोनिया गांधी की मीटिंग में जो चेहरे बुलाए जाते थे और जो बाहर निकलते थे वो चेहरे अब उपलब्ध नहीं है इंडियन पॉलिटिक्स में। तो सारे के सारे राज्यों में नए लोग आ गए हैं, नया नेतृत्व तो आ गया है, और जो पुराने लोग हैं या तो वो साइडलाइंड हो चुके हैं या उनके विचार बदल चुके हैं और उनके भूमिकाएं बदल चुकी है। जैसे आपने शरद पवार का जिक्र किया था, तो शरद पवार अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे आ गए हैं, मतलब अब तमिलनाडु में करुणानिधि नहीं है, वहां स्टालिन आ गए हैं। तो चीजें विपक्ष के, लालू यादव की वापसी भी हो गई है, नहीं उसका, उसको मैं कोई बहुत उनको ज्यादा अहमियत नहीं देता हूँ, वापसी हो गई है पर उनकी भूमिका को मैं मुलायम सिंह की भूमिका से ज्यादा बड़ी नहीं मानता हूँ और बिहार से ज्यादा बाहर नहीं मानता हूँ। वो एम्बिशियस हो सकते हैं चीजों को लेकर, पर उनका जो रोल है मैं उसको बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानता हूँ। तो राहुल के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि उनका उम्र के लिहाज से और अनुभव के लिहाज से विरोध करने वाले विपक्ष में नेता नहीं बचे हैं और उनकी एक तरह की स्वीकार्यता है। जैसे बिहार के इलेक्शंस में भी तेजस्वी के साथ सीटों का जो गठबंधन हुआ था उसमें राहुल की भूमिका थी, हालांकि लालू यादव उस समय भी सलाहकार की भूमिका में थे, चाहे वो झारखंड में जेल में बंद हो या उपलब्ध थे वो बातचीत के लिए। दूसरा ये है कि गांधी परिवार, देखिए इसमें जैसे मोदी जी ने अपने आप को बैगेज से फ्री कर लिया है, पार्टी के बैगेज से,
हर तरह के बैगेज से, वैसे राहुल गांधी ने या गांधी परिवार ने भी बैगेज से फ्री कर लिया है। हमको एक चीज ये मानकर चलना चाहिए कि राहुल गांधी इस समय अपना वक्त कहां दे रहे हैं। वो क्या जो G23 है उसको मनाने में दे रहे हैं, उनसे बातचीत करने में दे रहे हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करने में दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए कि वो लड़ाई लड़ने में दे रहे हैं। दूसरी चीज ये कि राहुल गांधी का जो गेन है वो मोदी की इमेज का डाउन होना है। मतलब राहुल गांधी जितना चमक रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण मोदी की छवि का कमजोर होना है। तो इसलिए हम राहुल गांधी को इंडिपेंडेंटली जज करना, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है पर वक्त नहीं है। जो एक बात कही विनोद शर्मा जी ने भी और अग्निहोत्र जी ने भी, क्या करेंगे अगर उत्तर प्रदेश में मान लीजिए कि सारी सीटें या बहुमत अखिलेश के पास आ जाए, जिसकी कि कोई उम्मीद नहीं है, संभावना भी नहीं है, वो सरकार बना ले तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से बीजेपी ने अपने आप को झोंक रखा, मैं उसकी बहुत हाइपोथेटिकल है, अभी कुछ बात नहीं करना चाहता, तो मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार बना लेते हैं, तो क्या नेशनल लेवल पर राहुल गांधी इर्रेलेवेंट हो जाएंगे? क्या विपक्ष से बात करने की पूरी कमान अखिलेश यादव संभाल लेंगे? क्या अखिलेश यादव में उस तरह के गट्स हैं या उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है नेशनल लेवल पर कि वो साइकिल चला के जाएंगे पार्लियामेंट तक, या ट्रैक्टर चला के जाएंगे पार्लियामेंट तक, या पेगासस का मामला उठाएंगे, या किसानों का मामला उठाएंगे? तो इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव को, या जो 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं फरवरी मार्च में, उसमें कांग्रेस के परफॉर्मेंस को राहुल गांधी के परफॉर्मेंस के साथ जोड़ के नहीं देख रहा हूं। मैंने पहले भी कहा है, रिपीट कर रहा हूं, किसी और डिबेट में कहा है कि इस समय 2 चीजें चल रही है और दोनों पैरेलल चल रही हैं। एक तो ये कि विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं जिसमें रीजनल लीडर्स लगे हुए हैं, और एक 2024 की तैयारी चल रही है जिसमें राहुल गांधी लगे हुए हैं। तो राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं है, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश से अपने आप को मुक्त कर लिया है, वो प्रियंका गांधी के जिम्मे है। राहुल गांधी का रोल एडवाइजरी हो सकता है पार्लियामेंट के चुनाव में भी। राहुल गांधी ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी तो प्रियंका गांधी के पास थी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और सेंट्रल यूपी की जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास थी, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी, तो दोनों ही पूरी तरह से फ्लॉप हुए। तो इसलिए ये चुनाव परिणामों के साथ राहुल गांधी को देखना, तो कहाँ देखेंगे? मतलब अगर जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ कांग्रेस का परफॉर्मेंस अगर इम्प्रूव होता है या नहीं होता है, तो हम क्या राहुल गांधी को पूरी तरह से रूल आउट कर देंगे कि उनकी कोई, मतलब उनको घर बैठ जाना चाहिए, 2024 के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए? राहुल गांधी इस समय बड़ा काम कर रहे हैं, और अगर हम मौका देना चाहते हैं तो अगर जो राम गुहा का आरोप क्या था राहुल गांधी के खिलाफ कि उनके पास स्लोगन्स नहीं है, उनके पास स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, वो हिंदी उनकी बहुत खराब है, उनके पास न तो सरकार में काम करने का अनुभव है न किसी कंपनी में काम करने का अनुभव है, उनमें स्टेमिना का भाव है, और वो डायनेस्टिक उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वंशवाद को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वो नेता बनने के योग्य नहीं है। तो हम एक रिपीट मोड में जा रहे हैं जब राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं। हम ये भी बात कर सकते हैं राहुल गांधी को माइनस कर दें इस पूरी पॉलिटिक्स से, तो राहुल गांधी की जगह किसको रोल लेना चाहिए, कौन उपलब्ध है, और या फिर मोदी से पूरी लड़ाई को बंद कर देना चाहिए।
राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि कितनी बड़ी ताकत के सामने उनको लड़ना पड़ रहा है, मतलब कितने रिसोर्सेस उनके सामने खड़े हुए हैं, क्या किस तरह की हुकूमत खड़ी हुई है, किस तरह का आईटी सेल्स खड़ा हुआ है, किस तरह के गवर्नमेंट में वर्कर्स खड़े हुए हैं, उनसे अगर वो लड़ाई ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो कोई दावा नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बंगाल में भी यही हुआ था, किसने उम्मीद की थी कि ममता बनर्जी जीत का आ जाएंगी, वहां तो सब लोग सारी डिबेट्स में ये चल रहा था कि बीजेपी की सरकार बन रही है, और दावे के साथ कह रहे थे शाह साहब अमित शाह जी 200 सीटें मिलने वाली है। केवल प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगर 100 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी तो मैं अपना पूरा कामकाज छोड़ दूंगा। तो इसलिए हमको इस समय की जो मौजूदा स्थितियां हैं और इस मौजूदा परिस्थितियों में जो लड़ाई लड़ी जा सकती है लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ, वो मेरा मानना है कि राहुल गांधी लड़ रहे हैं। जी अग्निहोत्री जी, जी आपने जो पॉइंट उठाया था उसका काउंटर पॉइंट अभी श्रवण जी ने दिया, लेकिन मैं भी ये मानता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो नेता जिता सकता है उसकी अहमियत बढ़ जाती है, जो नेता नहीं जिता पाता है भले ही लड़ाकू हो, भले ही विपक्ष को एकजुट करता हो, आगे की रणनीति बनाता हो, आगे की लड़ाई लड़ता हो, लेकिन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उस तरह से नहीं होती है। जहां जिताने वाला फैक्टर आ जाता है किसी नेता के साथ, वहां और भी लोग जुड़ने लगते हैं, उसका आकर्षण बढ़ जाता है। मेरे ख्याल से आप शायद यही इसी दिशा में इशारा कर रहे होंगे। तो क्या अगर आप अगर अभी 5 राज्यों के चुनाव लें तो इसमें से 3 राज्य प्रमुख हैं, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उत्तराखंड और पंजाब अगर कांग्रेस जीतती है तो भी क्या राहुल गांधी के लिए ये एक ऐसा पॉइंट होगा जो उनकी इमेज को बूस्ट करेगा, जो उनके लीडरशिप को और मजबूत करेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर चुनाव का महत्व होता है। अगर 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात हार जाते तो क्या वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते थे? गुजरात वो जीते इसी पर 2012 में, इसलिए देश के प्रधानमंत्री बन पाए। राहुल गांधी जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को छका देते हैं 2017 में, और 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीत लेती है कांग्रेस, तब आप देखिए उनके पीछे पूरा विपक्ष गोलबंद होता है, चंद्रबाबू नायडू से लेकर के शरद पवार तक सब जो है, और वो एक तरह से विपक्ष का नेता बन जाते हैं। वो अलग बात है कि वो बालाकोट हो गया और पुलवामा हो गया और नरेंद्र मोदी जी ने देश का नैरेटिव बदल दिया और कांग्रेस हार गई राहुल गांधी, लेकिन वो विधानसभा चुनाव का ही महत्व था। तो ये कहना कि अगर मान लीजिए 11 राज्यों में कांग्रेस चुनाव हार जाती है सब में, तो निश्चित रूप से राहुल गांधी के भविष्य पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी माइनस नहीं होंगे राजनीति से, लेकिन उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा, उनकी स्वीकार्यता पर असर पड़ेगा। लेकिन अब 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो हम सब जानते हैं कांग्रेस का कोई स्टेक नहीं है, 7 सीटें हैं, 7 की अगर वो 20 कर लें, 25 कर लें, वही उनकी सफलता है, वही कामयाबी है आज की स्थिति में। लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस को जीतना है क्योंकि वहाँ कांग्रेस ही लड़ाई में है। पंजाब में कांग्रेस को अपनी सरकार बनानी है वापस। गोवा में कांग्रेस को जीतना है। मणिपुर में कांग्रेस को जीतना चाहिए, मतलब ये जहाँ सीधी लड़ाई है उसकी, यहाँ स्टेक्स हैं। इन 4 राज्यों में कांग्रेस का जो नतीजा होगा चुनाव का, उस पर कांग्रेस के भविष्य का एक इबारत थोड़ी बहुत लिखी जाएगी। उसके बाद फिर गुजरात और हिमाचल में भी यही स्थिति होगी। इसी तरह फिर आगे जहाँ उनकी सरकारें हैं कांग्रेस की, कर्नाटक आ जाता है 2023 मई में, फिर उत्तर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो उन चुनावों में तो निश्चित रूप से कांग्रेस को जीतना होगा आगे अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए। क्योंकि राजनीति ये सदिच्छा या सद्भावना का खेल नहीं है, ये बड़ा गिव एंड टेक वाला मामला है। आपके पास सौदा क्या है इस पर तय होता है। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब उन्होंने छोड़ा था कांग्रेस पार्टी, तो कोई उनको नेता नहीं मान रहा था, लेकिन जब माहौल बन गया और लोगों को लगा कि विश्वनाथ प्रताप सिंह के नाम पर वोट, जनता का मूड घूम रहा है, तो बड़ौत की जनसभा में देवीलाल ने उनको प्रधानमंत्री घोषित कर दिया था। और उसके बाद पूरा जनता दल, बड़े बड़े दिग्गज, चंद्रशेखर जी, तमाम अनमने भाव से जो है उनके पीछे जाना पड़ा उनको। बड़े बड़े उस समय जो विपक्ष के दिग्गज थे, सबको, वीपी सिंह क्या थे,
पीपी सिंह तो कांग्रेस के राजीव गांधी के मंत्री थे सरकार के, कोई राष्ट्रीय नेता नहीं थे, लेकिन उसके बाद वो राष्ट्रीय नेता बने क्योंकि चुनाव जिताने की और वोट की ताकत आ गई इनके पास। तो अगर इन 11 राज्यों में कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी तो यही माना जाएगा कि राहुल गांधी वोट दिला सकते हैं। जो नेता वोट दिलाता है लोग उसी के पीछे जाते हैं। आज कांग्रेस की समस्या यही है कि कांग्रेस के पास वोट कैचर नेता का अभाव है। बीजेपी में नरेंद्र मोदी की पूछ इसलिए है कि नरेंद्र मोदी वोट दिलाते हैं, वोट कैचर, जिस इमेज को जो झटका लगा है बंगाल के चुनाव से। अभी श्रवण जी कह रहे थे कि उनकी इमेज नीचे जा रही है इसलिए राहुल गांधी की चमक बढ़ रही है। ये दोनों चीज़ अनुनाश्रित होती है। जब मनमोहन सिंह जो 2010 में सिंगल किंग बन के आए थे, 2009 में उनकी इमेज बिल्कुल आसमान पे थी, और जैसे जैसे उनकी उनकी इमेज नीचे आई नरेंद्र मोदी की इमेज ऊपर पड़ी। अटल जी की इमेज जब नीचे गिरी इंडिया शाइनिंग ओर से तो सोनिया गांधी की इमेज ऊपर पड़ी। ये तो जुड़ा हुआ होता है, एक की नीचे गिरती है दूसरे की ऊपर उठती है। तो जाहिर है आज अगर नरेंद्र मोदी की इमेज पे असर पड़ा है तो निश्चित रूप से सामने जो होगा उसकी छवि आगे बढ़ेगी और सामने राहुल गांधी है। तो राहुल गांधी को एक तरफ अगर देश जीतना है, अगर उनको 2024 में अपनी स्वीकार्यता बनानी है, तो जैसे फाइनल ओलंपिक चल रहे हैं, फाइनल जीतने के लिए आपको क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतने पड़ते हैं ना, तो ये विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल ही तो है, तभी तो आप फाइनल में पहुंचेंगे और तब फाइनल आप जीत पाएंगे, वरना फिर कहां से पता चले संतोष करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है जितना उनके लिए 2024 जरूरी है उतना ही कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी के लिए यह विधानसभा चुनावों में अच्छा प्रदर्शन जरूरी है। उत्तर प्रदेश में भले ही कांग्रेस सरकार न बना पाए लेकिन कांग्रेस को अपनी 7 से 7 सीटें बढ़ा के अगर वो 70 कर सके तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, अगर वो 20-25-30 भी कर लेगी तो भी उपलब्धि मानी जाएगी अकेले लड़ करके, तो ये उपलब्धियां उसके खाते में जाएंगी। एक बात और है, राहुल गांधी के एक बड़े नजदीकी सलाहकार से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा, और जो मैं उनकी बात से सहमत भी हुआ कुछ मामलों में, उन्होंने कहा कि पूरे देश के लोग आप सब लोग राहुल गांधी को नरेंद्र मोदी का क्लोन क्यों बनाना चाहते हैं। आज की तारीख में जितने नेता हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार हों, जितने छत्रप नेता हैं सब क्लोन है नरेंद्र मोदी का। मतलब उनकी स्टाइल वही है राजनीति की, जैसा मोदी जी की स्टाइल है वैसे उनकी स्टाइल है। आप क्या चाहते हैं राहुल गांधी उसी स्टाइल की पॉलिटिक्स करें? राहुल गांधी अपने स्टाइल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। महात्मा गांधी जो थे अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो अंग्रेजों से अलग तरह की राजनीति की उन्होंने, इसलिए महात्मा गांधी बने, ये उनके सलाहकार का कहना था। राहुल गांधी अपनी तरह की राजनीति करेंगे, वो नरेंद्र मोदी का क्लोन नहीं बनेंगे। आप या देश स्वीकार करे या न करे ये देश को तय करना है कि उसको नरेंद्र मोदी का क्लोन चाहिए या एक नए तरीके का नेता चाहिए। और मैं सहमत हूँ विनोद शर्मा जी के पास से कि व्यक्ति के रूप में राहुल गांधी निश्चित रूप से बहुत भले और बहुत समझदार इंसान है। मैंने भी 2-3 बार उनका इंटरव्यू किया है, लेकिन अब ये मतलब इस देश की जनता की अपनी समझ है कि वो किसको स्वीकारती है। यहाँ तो स्थिति ये है कि एक प्रोफेसर जो है दर्शन शास्त्र या विज्ञान के अगर चौराहे पर खड़े होकर कोई ज्ञान की बातें कहें तो 5 आदमी नहीं खड़े होंगे, लेकिन अगर एक मदारी अगर जो डमरू बजा के करने लगे तो 2000 आदमी खड़े हो जाएंगे और 4 घंटे उसका तमाशा देखते रहेंगे और लूट के चले जाएंगे, बाद में कहेंगे यार लूट लिया। तो ये तो देश की मानसिकता ऐसी है, उसका क्या करेंगे आप। लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगा कि निश्चित रूप से राहुल गांधी का रूपांतरण हो रहा है, वो एक नेता के रूप में अपनी स्वीकार्यता बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे शनै शनै वो निश्चित रूप से मुझे लगता है उनकी स्वीकार्यता बनेगी अगर वो इसी तरह मुद्दों को लेकर के आगे चलते रहे और निरंतरता बनी रही। तो पार्टी के अंदर उनको बहुत काम करना है और पार्टी के बाहर भी बहुत काम। जी हमारे साथ अशोक वानखेड़े भी जुट गए हैं, पता नहीं कहाँ थे इतनी देर तक, 3 बजे जुड़ना था। स्वागत है अशोक जी। अशोक जी आपकी टिप्पणी मैं चाहता हूँ कि राहुल गांधी जिस तरह से अभी सक्रिय हैं और जिस तरह से उनकी एक्सेप्टेबिलिटी नजर आ रही है उसको आप किस तरह से परिभाषित करेंगे? क्या हम ये माने कि वो विपक्ष का चेहरा बन रहे हैं? क्या ये माने कि विपक्ष उनको स्वीकार कर रहा है? क्या ये माने कि कांग्रेस का भी एक संकट खत्म हो गया है? एक अगर राहुल गांधी बड़े नेता के रूप में विपक्षी दलों के साथ उभरते हैं तो ये कांग्रेस जनों को भी कोई मैसेज देता है, उनके अंदर भी आत्मविश्वास का संचार करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया पर एक संक्षिप्त छोटी टिप्पणी आप। देखिए दो बातें अलग अलग है। राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस होना, राहुल गांधी का एक नेता बन के इमर्ज होना और कांग्रेस का अंदरूनी संकट समाप्त हो, ये अलग अलग बात है। कांग्रेस संकट से जूझ रही है, कांग्रेस के अंदर बहुत सारे द्वंद है, उससे लगातार कांग्रेस अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं के बराबर है। कांग्रेस में जो लोग बैठे हैं उनका कोई जनाधार नहीं है, जो लोग कहीं कुछ नहीं एडजस्ट होते हैं वहां आके महामंत्री बनते हैं और पार्टी चलाते हैं।
ये कांग्रेस का संकट है, ये अलग जूझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ यदि कोई एक चेहरा सामने अभी कुछ दिनों से उभर रहा है तो वो लगातार राहुल गांधी। राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस हम इसलिए मानते हैं कि राहुल गांधी ने ब्रेकफास्ट पे बुलाया और 15 पार्टी के लोग आ गए। राहुल गांधी की साइकिल चलाने के पीछे 100 एमपी चले गए तो आज हम उनको नेतृत्व मानते हैं। लेकिन राहुल गांधी एक ऐसा एक विपक्ष का चेहरा है जो पिछले 2014 से लेकर लगातार नरेंद्र मोदी के सामने डट के खड़े हैं, डट के सवाल पूछ रहे हैं, उस सवालों पे सरकार की किरकिरी हो रही है, सरकार घिर रही है। ये बात अलग है कि गोदी मीडिया इतना ज्यादा हो गया है कि वो नहीं दिखाता, वो नहीं बता पाता, लेकिन क्या जनमानस में उनकी प्रतिक्रिया नहीं है? दूसरी बात, अभी विनोद जी कह रहे थे कि राज्यों में कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, मैं इस बात को थोड़ा सा ये करता हूँ, इसलिए कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों जगह स्वीप कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ लोकसभा के चुनाव में, तीनों जगह बीजेपी ने स्वीप किया। महाराष्ट्र जो डीएनए है, जो महाराष्ट्र सरकार सत्ता में है, जो महाराष्ट्र बहुत बड़ा गढ़ है, 48 सीटें है, वहां कांग्रेस को मात्र एक सीट, राहुल गांधी स्वयं की सीट भी नहीं बचा पाए। तो लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव ये अलग अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के कई जगह होते हैं। उत्तर प्रदेश में 100 सीटें आएगी या 70 सीटें आएगी, ये हास्यास्पद है कांग्रेस के लिए, क्योंकि कांग्रेस वहां पूरी तरह से जनाधार खो चुका है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में यदि आपको विधानसभा में सीटें नहीं मिली तो लोकसभा में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सुपड़ा साफ होने के बाद नरेंद्र मोदी फिर से उभरे है ना, वहां पे लोकसभा में सीटें ली है ना। तो हमारे यहाँ लोकसभा, विधानसभा, लोकल बॉडीज इलेक्शन, ये सब अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या कहती है, उत्तर प्रदेश के कई फैक्टर्स है वो जो राजस्थान में नहीं लागू होते, जो पंजाब में नहीं लागू होंगे। पंजाब में हो सकता है कांग्रेस की सरकार रिपीट हो जाए, क्योंकि पंजाब किसानों का बेल्ट है, वहां किसान आंदोलित है, अकाली दल के ऊपर एक टैग है कि वो लगातार सत्ता में रहे और आइन टाइम पे वो जब सत्ता में आने का फिर से वापस प्रयास हो रहा है राज्य में तो वो बाहर हो गए, ये लोगों को समझ नहीं आता, ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए कौन किस राज्य में आएगा, कौन किस राज्य में जाएगा, इससे ज्यादा तवज्जो ये है कि क्या राहुल गांधी को स्पेस मिलती है, क्या राहुल गांधी को मीडिया ने स्पेस, जो तथाकथित गोदी मीडिया है वो भी स्पेस देने लगा। जब अखिलेश की रैली निकलती है तो मजबूरी में आपको दिखाना पड़ता है कि रैली निकली। कल यूथ कांग्रेस का जो प्रदर्शन हुआ, इतना भारी प्रदर्शन किसी ने सोचा नहीं था कि एक मरणासन्न स्थिति में पार्टी है, इस पार्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं दे पाई इस देश को अपोजिशन में रह के, आज यदि यूथ कांग्रेस वहां जिंदा होती है और कोने कोने से लोग आते हैं और घेरते हैं तो ये बताता है कि लोगों में इस सरकार के विरुद्ध एक अनरेस्ट है। उस अनरेस्ट को चेहरा कोई भी बन सकता है, और जब एक अनरेस्ट होता है तो कोई भी आदमी यदि उसको लीड करता है तो फिर ऑल ऑफ अ सडन लीडर बनता है। अण्णा हजारे महाराष्ट्र में एक वाटर रिसोर्स के लिए काम करते थे, वो महाराष्ट्र में थोड़ी बहुत करप्शन वरप्शन के लिए जाने जाते थे। जब पूरा देश करप्शन के लिए लड़ रहा था और ये प्रोजेक्शन हो गया था कि यूपीए सरकार सिर्फ करप्शन ही करती और कुछ नहीं, ये परसेप्शन था, सीएजी की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, वो रिपोर्ट। हालांकि जब महाराष्ट्र, इंडिया के सीएजी की रिपोर्ट हम भारत से तय कर रहे थे तब गुजरात की सीएजी की रिपोर्ट की किसी ने नहीं देखा कि जो वर्तमान में जो नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उस मुख्यमंत्री जी के कामकाज पे सीएजी ने कई स्ट्रिक्चर पास किए, लेकिन वो कांग्रेस मिली भगत थी वहां पे, क्योंकि अहमद पटेल सारी कांग्रेस देख रहे थे वहां पे, उसको गोद में बैठी हुई थी, तो कोई वहां सवाल इशू उठाने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं। जो गुजरात में सीएजी रिपोर्ट बिल्कुल अननोटिस चली गई, केंद्र की सीएजी रिपोर्ट को बहुत बड़ा चढ़ा के बोला, सारा करप्शन का मामला आ गया और ऐसा लग रहा था कि यूपीए ने सिवाय करप्शन नहीं किया। ऐसे में जब एक करप्शन का मसीहा करके प्रोजेक्ट किया गया तो अन्ना हजारे महात्मा गांधी बन गए देश में। ये अन्ना हजारे बनने के पहले अन्ना हजारे को कितने रीजनल पेपर अन्ना हजारे को जानते थे, वाटर रिसोर्स के नाम से जाने जाते, उसके बाद करप्शन के नाम से जाने जाते, उसके बाद एक नई पार्टी पैदा हुई। ये राजनीतिक चीजें होती रहती है, इसलिए चेहरा एक्सेप्ट होना, चेहरा लोगों का नाराजगी कितनी है इसमें चेहरा एक्सेप्टेंस होता है। यदि यूपीए के समय सब कुछ ठीक चल रहा होता और ये करप्शन के कोई चार्जेस भी नहीं होते तो नरेंद्र मोदी कितना भी बड़ा मॉडल दिखाते, नरेंद्र मोदी इतना मैसिव मैंडेट के साथ नहीं आते। जो मैसिव मैंडेट के साथ लोकसभा में आता है वो बताता है कि ये करप्ट सरकार है, इससे अच्छा हम लोग देंगे। तो अब लोग अच्छे दिनों के चक्कर में लगातार नरेंद्र मोदी के साथ खड़े थे, अब सवाल आ गया है आपको अच्छे दिन चाहिए या सच्चे दिन चाहिए, क्योंकि ये जो अच्छे दिन है ये झूठ का एक पुलिंदा है। अब ये आम आदमी जानता है, अब ये आम आदमी ये परसेप्शन नहीं लेता कि पेट्रोल सबसे ऊपर ज्यादा इसलिए जा रहा है कि आपको रैफेल चाहिए, आर्मी के लिए पैसा चाहिए जी। ये अब परसेप्शन तो अशोक जी अगर ये परसेप्शन बन गया है तो क्या राहुल गांधी इसको अपने हक में भुना पा रहे हैं, क्या उसको, उनको इसका लाभ मिल रहा है, ये प्रश्न।
बिल्कुल मिल रहा है, और धीरे धीरे जिस राहुल गांधी को पप्पू, इसी चैनल पे हमने, मुझे लगता है एक महीना पहले हमने देखा था कि उसमें तो कोई दम ही नहीं, राहुल को उभरना पड़ेगा, राहुल वो कर ही नहीं पाते, राहुल में वो दम ही नहीं है, राहुल बोल ही नहीं पाते, राहुल ने कोई अपना बोलने का स्टाइल चेंज नहीं किया, राहुल ने कोई स्टाइल नहीं चेंज किया, लेकिन वही राहुल जी अब लोगों के बीच में और लोग सब लोग उनके पीछे चले गए। जो शिवसेना के लोग कहते थे कि राहुल जी को अभी समझ नहीं है, अब वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के महाराष्ट्र में बोल रहे हैं कि राहुल जी ने खंधे पे हाथ रखा और पूछा कि शिवसेना कैसी काम करती है और वो उनसे बड़े नेता नहीं है। ये परसेप्शन लोगों का क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि लोगों को पता है कि लोग नाराज है, पब्लिक नाराज है, पब्लिक अब किसी को ढूंढ रही है। ऐसे में सब अपने अपने रीजनल पार्टी यदि दम लगाती है तो एक कोई एक बाइंडिंग फोर्स चाहिए। आज कोई भी रीजनल पार्टी शरद पवार पूरा महाराष्ट्र भी व्याप्त कर ले तो भी 48 सीटों से ज्यादा एक सीट नहीं ला पाएंगे, वही कैपेसिटी उनकी 48। लेकिन 48 से ज्यादा 100 क्रॉस करने की कैपेसिटी अक्रॉस द इंडिया यदि किसी की है तो वो कांग्रेस की। और फिर नकारात्मक वोट भी होता है, ये नहीं चाहिए इसलिए हमको ये चाहिए। क्या अखिलेश ने अच्छा काम नहीं किया था? अखिलेश ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन परिवारवाद, परिवार में झगड़े, इतनी चीजें सामने बुनाई गई कि अखिलेश के अच्छे काम किसी को देखे नहीं, और उसके बाद जो हुआ वो सारे लोगों ने देख लिया। क्या हुआ? मैसिव मैंडेट मतलब बीजेपी आ गई वहां पे। अब आज लोग ये समझ रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया, एक अखिलेश का हाईवे यदि छोड़ा तो उसके बराबर कोई बड़ा रास्ता सुपर एक्सप्रेस बनवाया क्या बीजेपी ने 4.5 साल? समय खत्म हो रहा अशोक जी, इसलिए मैं एक छोटी सी टिप्पणी विनोद शर्मा जी की लूंगा और कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। एक छोटी सी टिप्पणी विनोद जी, क्या आपको लग रहा है कि ये जो सिलसिला राहुल गांधी ने शुरू किया है इसमें निरंतरता बनी रहेगी? जैसे विनोद अग्निहोत्री जी ने भी ये सवाल किया है, तो क्या ये निरंतरता बनी रहेगी? आपको लगता है कि अब राहुल गांधी की वो हिचक रिलक्टेंस चला गया है, अब वो पूरी तरह से उतर पड़े मैदान में? देखिए ऐसा है कि वो राहुल गांधी औरों से ज्यादा ऑडिबल हैं और विजिबल हैं। क्या वो एक्सेप्टेबल हैं? इसके लिए तो मुझे जोशी होना पड़ेगा। देखिए जनता में आक्रोश है और ये अशोक ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या उस आक्रोश को राहुल गांधी चैनलाइज कर अपनी पार्टी के हित में बहा पाएंगे? और उसके लिए बहुत से यंत्रों की जरूरत है और बहुत से तंत्रों की जरूरत है, बहुत से मंत्रों की जरूरत है, बहुत से मंत्रों की जरूरत है, बहुत से लोगों की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी आज के दिन एक बीमार पार्टी है। सबसे पहले राहुल गांधी उसको तंदुरुस्त बनाए। बिना फुट सोल्जर्स के कोई जर्नैल नहीं बनता। हमको राहुल गांधी अच्छे जर्नैल बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो फौज है, क्या उसके पास असला है? क्या उसके पास राशन है? क्या उसके पास वो मोहब्बत है पार्टी के लिए कि जान लगा देंगे लेकिन जितवाएंगे? देखिए बड़े बड़े प्रश्न हैं, लेकिन आगाज तो अच्छा है, अंजाम खुदा जाने। जी अशोक जी, छोटी सी टिप्पणी, फुट सोल्जर्स भी है, लोग भी है, वर्कर्स भी है, लेकिन ये तथाकथित बीच वाले जो दलाल है, जो जनरल सेक्रेटरी जो ट्रेजरर, जो अपना डिपॉजिट, अब वो सुरजेवाला अपने घर में अपना डिपॉजिट जब्त कर गया, वो कर्नाटक वालों को बताएगा कि कैसे चुनाव लड़ने हैं? जो अजय माकन चुनाव के टाइम दिल्ली से लंदन भाग जाते हैं, वो जयपुर में बताएगा कैसे सरकार चलानी है? इन लोगों से निजात पानी होगी। इसमें सिर्फ नहीं होती है ना, एग्जैक्टली करना। मैंने इसलिए कहा कि पार्टी का संकट बरकरार है, लेकिन राहुल का जननायक बनकर उभरना ये शुरू हुआ है और ये मुझे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सामने लगातार कमजोरी दिखाई देती। श्रवण जी, इसी से जुड़ी एक छोटी सी टिप्पणी, आप जा निकल सकते हैं, एक छोटी सी टिप्पणी श्रवण जी मैं आपकी चाहता हूँ कि राहुल के नायक बनने की प्रक्रिया तो शुरू हो गई। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राहुल नायक बनते हैं तो कांग्रेस पार्टी का भी रिसर्जेंस हो जाएगा, वो भी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसको एक लीडर ऐसा चाहिए था जिसको विपक्ष भी एक्सेप्ट करे, जनता भी एक्सेप्ट करे, जो सक्रिय हो, विजिबल हो, ऑडिबल हो। वो अगर राहुल गांधी में मिल रहा है तो पार्टी भी खड़ी होने लगी। जैसा अभी कहा कि यूथ कांग्रेस के इतने लोग इकट्ठे हो गए, तो ये मैसेज वहां से भी जाता है। नहीं नहीं, पार्टी ने खड़ा होना शुरू कर दिया है मुकेश जी। जो यूथ कांग्रेस के लोग हैं, जो जिसने कोरोना के टाइम में जिन लोगों ने काम किया, वो कोई पुरानी कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया, यूथ कांग्रेस के लोगों ने किया। आप देखिए कि राहुल की पूरी टीम बदल गई है।
मैं थोड़ा सा ये जो बार बार परफॉर्मेंस को लेकर बात चल रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में कोई नहीं था विपक्ष के नाम पर, कोई विपक्षी एकता नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी हार गई वहां, भूल करे थे। अगर उत्तर प्रदेश में या बाकी 5 राज्यों में कांग्रेस केवल इतना कर ले कि मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, हम बीजेपी को कहें, बीजेपी के खिलाफ जितना वोट बैंक है, कि जितनी पार्टियां हैं, वो आपस में मिल जाएं, तो वो लोग जो मोदी जी के समर्थक पार्टियां हैं विपक्ष में, वो भी एक्सपोज हो जाएंगे और विपक्ष को अपनी ताकत का पता चल जाएगा कि 2024 में जाने के लिए उनको क्या चाहिए। आप अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सिर्फ इतना कर लें कि हम जीतने वाली पार्टी के साथ हैं, हम कांग्रेस की हुकूमत बनाने के साथ नहीं है, जो गलती उन्होंने बंगाल में की थी उससे सबक लेकर अगर वो उत्तर प्रदेश में काम कर लें, मैं कह रहा हूँ उसके बहुत जबरदस्त परिणाम निकलेंगे देश में 2024 के लिए। तो ये कोई बड़ा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो जो जिस पर हम लोगों को डेलिबरेट करना है कि जी। क्योंकि नहीं तो फिर क्या है, जैसे ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हम अगर लिस्ट बनाना शुरू कर देंगे ये होना जरूरी है राहुल गांधी की सफलता के लिए, तो राहुल गांधी को बिल्कुल घर बिठा देना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, धन्यवाद, नमस्कार।